से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रजनी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, कैसे मैं पता लगाऊंगा कि मेरे रिश्तेदार मेरे क्या लगेंगे, मेरे पिताजी के रिश्तेदार मेरे क्या लगेंगे, मेरे माताजी के रिश्तेदार मेरे क्या लगेंगे। मैंने आपको ओरिजिन मान करके सारे रिलेशनशिप को डिफाइंड कर दिया था। अगर आप अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सब कुछ बेसिक क्लियर करा दिया है और उसी बेसिक की मदद से आज हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपी 2017 में पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन यूपी ट्रिपलसी वीडियो का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है। तो मैं केवल वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तब ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि ये बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, किसी ने सच कहा है कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिससे हमेशा सफलता के हथियार निकलते हैं, जिससे हमेशा सफलता के हथियार निकलते हैं। अगर आपका भी बुरा वक्त चल रहा है आप हार मत मानिए, आप संघर्ष करिए, लड़ते रहिए, क्योंकि जब आप संघर्ष करेंगे लड़ेंगे तो आप जाके सफलता का मजा आएगा, सफलता मिलेगी तब आपको मजा आएगा। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना छोड़ दे, जिंदा है इस जिंदगी के नाद में दम कर दे। ठीक है, कहते हैं ना कि फिसलता जरूर है चाहे जितना पकड़ो, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, आपका भी वक्त बदलेगा। तो वीडियो में ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सुधा की ओर इशारा करते हुए, ठीक है क्या कह रहा है, सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि इनकी माता की इकलौती पुत्री, समझना जी, हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, इकलौती पुत्री मेरी माता है तो बताइए राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है। अब समझना बहुत आसान है, कुछ इसमें करना नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सुधा की ओर इशारा कर रहा है कौन, राजन, बस आप समझना आप हो राजन, आप क्या हो राजन, ठीक है, आप अपने आप को मान के चलोगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि प्रीवियस वीडियो में आपको ही ओरिजिन माना था। राजन ने किसकी ओर इशारा किया, इसने इशारा किया सुधा की ओर, इसने इशारा कर दिया सुधा की ओर, ठीक है। राजन ने सुधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनकी माता, यानी किसकी माता, सुधा की माता, किसकी माता की बात कर रहा है, सुधा की माता, ठीक है, इनकी माता की इकलौती पुत्री। अच्छा इनकी माता है सुधा की माता की पुत्री, जो सुधा है इसकी माता की इकलौती पुत्री कौन होगी, बताओ सुधा नहीं होगी, तुम ही बताओ भाई, यही तो कह रहा है, यहां पर बात समझना, इनकी माता तो सुधा की माता तो ही होगी, अब सुधा की ये माता है और इनके इकलौती पुत्री है, सुधा की ये माता है और इनके केवल एक ही पुत्री है तो वो तो सुधा ही होगी। अगर मेरी माँ का एकलौता पुत्र हो तो मैं ही मरण का पुत्र, और तो कोई होगा नहीं, ठीक है। यही तो कहा है कि सुधा की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा कि इनकी माता की इकलौती पुत्री, इनकी माता की जो इकलौती पुत्री कौन है, सुधा, सुधा इकलौती पुत्री मेरी माँ है, यानी इनके भी ये क्या है, राजन की क्या है, सुधा राजन की क्या है, माँ है, सुधा राजन की माँ कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन माँ के अलावा राजन इनका क्या है, सुधा का पुत्र भी तो है भाई, यही तो पूछा है, तो बताइए राजन सुधा से किस प्रकार है, तो राजन सुधा का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। अगर नहीं समझना तो एक बार सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने सुधा की ओर इशारा किया, राजन ने कहा कि इनकी माता, ये इनकी माता है, इनकी माता की इकलौती पुत्री,
इकलौती पुत्री यही सुधा हो जाएगी, वो मेरी माँ है, तो सुधा इसकी अगर माँ है तो राजन सुधा का क्या होगा, पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जनरल क्वेश्चन था, यूपीपी 2017 में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग अगर आपकी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये भी पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर अधिकारी होता है वीडियो, उसके एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहता है, एक आदमी, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, पहले का आंसर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है, चलिए आप ही आदमी है, आप आदमी है, आप ही तो आदमी है, और एक महिला है, आपने उससे कह दिया। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माता के पति, महिला की माता, ये महिला की माता हो गई, और इनके पति, अच्छा ये महिला की माता है और ये माँ इनका पति है, तो ये भी क्या होगा, इसका पिता होगा, मतलब महिला और इसके बीच क्या संबंध होगा, पिता का होगा, क्योंकि भाई अगर ये माता है और ये माता और इसकी माता का पति है, भाई मेरी जो माँ होगा उनका जो पति होगा वो मेरा पिता ही होगा, ठीक है। बहन, पति की बहन, अब मेरे पापा की बहन, यानी मेरे पापा की जो बहन होगी वो क्या होगी, मेरे पापा की बहन तो मेरी बुआ जी होगी, वही तो कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माता के पति की बहन, तुम्हारी माता के पति की बहन, यानी इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी तो बुआ जी होगी ना। तो बताइए उस आदमी का महिला से, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। अब भाई जब ये बुआ जी निकली और क्या निकली, भाई ये बहन जो है, ये बहन क्या इसकी निकली, बहन इसकी क्या निकली, ये तो कहा है कि बहन मेरी माँ है, ये इसकी माँ है, ये इसकी क्या है, माँ है, यानी ये अगर बहन माँ है, आदमी की अगर माँ है तो भाई ये पिता की बहन है, तो ये क्या होगी, इसकी बुआ जी होगी। फिर से समझ लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो, कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति की बहन, ये मेरी की बहन मेरे, ठीक है, इस महिला के पिता की, ऐसे सुन लो, इस महिला के पिता की बहन, अब बताओ मेरे पिता की बहन क्या होगी, मेरी तो बुआ जी होगी ना, और मेरी बुआ जी का, अब मेरी बुआ जी अगर होंगी तो उनका जो लड़का होगा क्या क्या है, मेरी माँ है, तो भाई मेरी बुआ जी का लड़का और मेरे बीच में क्या संबंध होगा, समझो ऐसी बात है, ये तो मेरी, ये मेरी बुआ जी है और ये मेरे बुआ जी का लड़का है, तो मेरा और मेरा बुआ जी के लड़के में क्या संबंध होता है, कजिन का, भाई कजिन माने क्या होगा, चचेरा भाई है, चचेरी बहन, क्या है का संबंध होगा, कजिन का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा फिर से ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है, फिर से मैं दिखा देता हूँ कि आदमी, आप आदमी, आप ही बोल रहे हो, आपने महिला से कहा, मैं महिला है, महिला से कहा, तुमने क्या महिला से कहा, महिला से तुमने कहा कि तुम्हारी माता के पति, यानी तुम्हारी जो माता है उनके जो पति हैं, अब जो उनके पति होंगे वो इस महिला के, महिला के क्या होंगे, पिता होंगे, महिला के क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक है। अब इनकी बहन, इनकी बहन भैया महिला की क्या होगी, अब भाई मेरे पिताजी की बहन क्या होगी, तो इनकी तो बुआ होगी, इनकी क्या होगी, बुआ जी होंगे, ये क्या होंगी, बुआ जी होंगी, अगर ये बुआ जी नहीं होगी और ये कह रहा है कि इनकी बहन मेरी माँ है, ये अगर इसकी माँ है, ये इसकी क्या है, माँ है, ये इसकी क्या है, माँ है, यानी अगर ये इसकी माँ है तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, भाई ये तो बुआ जी की क्या है, ये बुआ जी, ये महिला इससे क्या संबंध रखती है, बुआ जी और ये भैया क्या है, ये पुत्र है किसका, ये बुआ जी का पुत्र है, मतलब मैं और मेरी बुआ जी का पुत्र क्या होंगे, एक दूसरे में कजिन, क्या होंगे, कजिन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कजिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए अगले दो प्रश्न आ गए आपके सामने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 यूपीपी का एग्जाम 2018 में भी एक हुआ था, 2017 में हुआ था, ये वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाने वाला है बिल्कुल, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है, बस पढ़ते चलना है और चीजों को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आनंद प्रेमा का पुत्र है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, ठीक है, नेहा रश्मि की पुत्री है, ये बात नोट कर लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं पहले, नेहा राजीव की बहन है, ठीक है, तो बताइए कि आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मजा आ रहा है, देखिए बस पर ध्यान देना बहुत आसान बना देंगे, क्या कह रहा है आनंद, तो आनंद आप हो या आपको अपने आप को मान के चलना है, आनंद, आनंद प्रेमा का पुत्र है, ये प्रेमा, ये आनंद, अब देखो आनंद प्रेमा का पुत्र है, जिसकी तरफ इशारा करे एरो आप उसी तरफ बनना, से आनंद किसका पुत्र है तो कहोगे, मैं पूछूं आनंद किसका पुत्र है तो आप कहोगे प्रेमा, और इसके ऊपर एरो के ऊपर क्या लिखोगे पुत्र, इससे हमें ये गलती नहीं होती है कि हम कंफ्यूजन ये नहीं हो पाता है कि कौन किसका पुत्र है, एरो और इसके ऊपर ये लिख देने से कि हाँ ये इसका पुत्र है, साफ साफ डिफाइन कर रहा है कि एरो इसकी तरफ है तो ये पुत्र होगा, तो यहाँ पुत्र लिखा है और किसका प्रेमा का, ये चीज अगर आप सीख गए ना तो ये क्वेश्चन धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन मेन चीज यही सब होता है, यही बनाने में अगर आप दिक्कत कर दोगे आप रिलेशन नहीं डिफाइन कर पाओगे, आनंद प्रेमा का पुत्र है, एरो का वो ध्यान, राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है, अच्छा राजीव भाई है ना तो एरो किसकी तरफ होना चाहिए, राजीव की तरफ, तो ये हो गया राजीव प्रेमा का भाई है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, एरो डिफाइन कर रहा है कि भाई है, एरो पर ही बता रहा है कि राजीव है, और यहाँ पर हमने लिख दिया भाई, इसका मतलब है प्रेमा का भाई राजीव है। नेहा रश्मि की पुत्री है, अब एक नया नाम जुड़ गया नेहा, ये लीजिए नेहा लिख देते हैं यहाँ, नेहा किसकी पुत्री है रश्मि की, ये देखो नेहा किसकी पुत्री है रश्मि की, ये रश्मि है ये नेहा है, और किसकी पुत्री है नेहा रश्मि की पुत्री है, ठीक है भगवान है, नेहा राजीव की बहन है, एक चीज और क्लियर हो गई कि नेहा जो है वो बहन है, एरो बहन नेहा की तरफ होगा, और किसकी बहन है तो राजीव की बहन है, किसकी बहन है राजीव की बहन है, ठीक, इतना लिखने के बाद इतना पहले आप बना लीजिए, इतना क्वेश्चन में कहता है कि आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, हमको निकालना यह है कि आनंद और रश्मि का संबंध क्या होगा, मतलब रश्मि के लिए आनंद का रिश्ता, एरो किसकी तरफ है आनंद की तरफ, हमको ये बताना कि आनंद जो है वो रश्मि का क्या लगेगा, ये निकालना, देखिए अगर आनंद है पुत्र प्रेमा का, पुत्र है प्रेमा का, और प्रेमा का भाई राजीव है, तो क्या इसका मामा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसका क्या होगा 100% मामा होगा, भाई आप अपनी माता के, अपनी माता के पुत्र हैं, और उनका जो भाई होगा आपकी माता का तो आपका मामा ही तो होगा, ये मेरी माँ का भाई है राजीव तो मेरा मामा है, और ये राजीव की बहन नेहा है तो राजीव मेरी मेरे मामा की जो बहन होगी मेरी क्या होगी मौसी होगी, ये क्या होगी मेरी मौसी होगी, यानी आनंद का राजीव क्या है मामा है, आनंद की नेहा क्या है मौसी है, लेकिन हमको देखना है कि आनंद जो है रश्मि का क्या है, रश्मि का संबंध आनंद से कैसे, अच्छा नेहा पुत्री है रश्मि की, नेहा पुत्री किसकी है अब रश्मि की, अब मेरी मौसी की माँ बताओ, मेरे यानी कि मेरी मौसी की माँ कहें या मेरे मामा की माँ, भाई भाई तो भाई भाई राजीव और नेहा भाई बहन है तो इनकी जो माँ होगी वही राजीव की माँ होगी, अब मेरी मौसी की जो माँ होगी यानी हमारे मामा की जो माँ होगी हमारी क्या होगी नानी, क्या होगी नानी, तो नानी को ऑप्शन में कहीं है नहीं, लेकिन पूछा क्या है कि रश्मि
रश्मि का आनंद कौन है, रश्मि का आनंद कौन है ना, ये पूछा ना, है और आनंद की तरफ है। तो रश्मि के लिए आनंद तो नाती होगा भाई, तुम अपनी नानी के लिए कौन हो, उनको नानी नाती बोलती है, आप उनको नानी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, और 100% समझ में आया होगा, बिल्कुल 100% सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप ऐसे एरो बना करके चलेंगे ना, 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे, बिल्कुल कभी गलती नहीं होगी, और एरो उसी की तरफ करोगे जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है कि इसका भाई है कि बहन है, ठीक है, समझ में आ गया कि मैं हूं आनंद, मेरी माँ का भाई है राजीव, और उनकी एक बहन है मेरी माँ की नेहा, जो कि मेरी मौसी है, और नेहा की माँ का नाम है रश्मि, जो कि मेरी नानी होंगी, और अगर वो मेरी नानी होंगी तो मैं उनका नाती हूँ, ठीक है, समझ में आया 100%। और एक चीज बता दूं, अगर आपको डिफाइन हो जाए कि जो इसके बारे में बात हो रही है वो पुल्लिंग है, ठीक है, डिफाइन हो जाए, अगर 100% कंफर्म हो जाए कि पुल्लिंग ही होगा, तो उसके लिए प्लस साइन यूज करते हैं, और 100% अगर क्लियर हो जाए स्त्रीलिंग होगा तो, अब ये नाम पर मत जाना, इसका नाम नेहा है कि 100% स्त्रीलिंग होगी, ना ना ना, आजकल क्वेश्चन बहुत खतरनाक से हो रहे हैं, तो यहाँ तो पुत्र का है, पुत्र कह रहा है पुत्र को 100% पुल्लिंग ही होगा, तो ये प्लस होगा। प्रेमा भाई, प्रेमा जब पुत्र है तो भाई प्रेमा के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो प्रेमा प्रेमा का भाई राजू है, प्रेमा का भाई राजू है, तो हाँ यहाँ पर क्लियर है कि हमारी ये माँ है, तो ये निगेटिव साइन है, साइन है मतलब जेंडर अगर डिफाइन हो रहा है, अगर मेल है तो प्लस, अगर फीमेल है तो माइनस, क्योंकि काफी आजकल क्वेश्चन ऐसे सेट होने लगे हैं कि आपको लगेगा कि भाई होगा लेकिन कहो बाहर निकल जाए, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन वैसे भी निकाल दूंगा जहाँ पर साइन का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इसके ससुर के पिता ठीक है मेरे ससुर हैं, तो बताइए उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए और ध्यान से सुनिए। एक आदमी का परिचय देते हुए महिला कह रही है ना, तो महिला अगर कह रही है किससे, जिससे कह रही है उसकी तरफ है, एक महिला किसकी तरफ इशारा कर रही है, आदमी की तरफ, ये आदमी की तरफ इशारा किया, और इसका क्या दिया, परिचय दिया, क्या दे रही, इसका परिचय दे रही, और क्या कहते हैं वो परिचय दे रही है, इसके ससुर, किसके ससुर, आदमी के ससुर, इस आदमी के ये हैं ससुर, इस आदमी के ससुर के पिता, इस आदमी इसके ससुर के पिता, यानी ससुर के पिता, इसके पिता ससुर के पिता, ससुर के पिता बोला है ना कि आदमी के ससुर के पिता मेरे क्या है, इस महिला के क्या है, ससुर है, क्या है, ससुर है, तो बताना है कि महिला और आदमी का क्या संबंध है, बहुत आसान बना देते हैं। देखिए अगर ये इसके ससुर हैं, सुनो इधर, अगर ये इसके ससुर हैं कौन, ये इसके क्या है, महिला के ससुर हैं, और ये पिता है किसके, ससुर के, ये पिता क्या है, ससुर के, तो भाई अगर इसके ये पिता है तो ये इनका पुत्र रहा होगा, ये इनका क्या होगा, पुत्र रहा होगा, और अगर ये पुत्र रहा होगा तो महिला और ससुर इसके बीच, महिला और इसके बीच तीन संबंध बन सकते हैं, या तो इनका पति रहा होगा, या तो देवर रहा होगा, या तो ज्येष्ठ रहा होगा। अब भाई इसमें तो ऐसी बात कही नहीं, कुछ ध्यान से समझना, क्वेश्चन घुमा दिया इसने, बच्चे तो ठोक के आएंगे, आंसर हम जानते हैं क्या दिमाग में आया होगा, आंसर आ गया होगा, लूंगा हम जानते हैं क्या निकाल लूंगा, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दो कि मेरे ससुर, यही कह रहे हैं इसके ससुर के पिता मेरे ससुर, ये ससुर है, ये क्या है, इसके ससुर है, और ये ससुर का क्या होगा फिर, पिता अगर ये इसका है तो इसका क्या होगा, पुत्र होगा, ये ससुर इसका पुत्र होगा, और जो इसका पुत्र होगा, मान लो भाई मैं हूं, मैं मान लो हूं, ठीक है, अब मेरे पिता को जो ससुर कहेगी, मेरे पिता को ससुर कहेगी, वो मेरी वाइफ भी हो सकती, भाई मेरे पिता, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मेरे पिता को जो ससुर कहेगी वो भाई मेरी वाइफ भी हो सकती है, जब मैं अगर छोटा हूँ तो मैं उसका देवर भी लग सकता हूँ, अगर मैं बड़ा हूँ तो मैं उसका ज्येष्ठ भी लग सकता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नहीं कही है, तो ये पति हो सकता है, देवर हो सकता है, ज्येष्ठ हो सकता है। अब भाई वो, अब हम भी ससुर बने बैठे हैं, मतलब हम अपने घर में जो हमको कह रही है जिसको बदलिए मैं हूँ ससुर, तो मैं पति या देवर या ज्येष्ठ हो सकता हूँ, और मैं ससुर बन चुका हूँ, मेरी लड़की की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है,
अगर मेरी लड़की की शादी हो चुकी है, अगर मैं पति होता किसका, इस महिला का, तो इसके लिए तो इनके लिए संबंध क्या होता, दामाद ससुर का। काहे कि ये मेरी वाइफ है, अगर मैं इस आदमी का ससुर हूं तो मेरी वाइफ भी क्या होगी, इसकी सास होगी। और अगर मैं इसका देवर हूं तब तो गरीब का, अगर मैं इसका देवर हूं तो मैं छोटा हूं, वो सास तब भी बन सकती हूं लेकिन फिर दूर के रिश्ते बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप निकालो तो दामाद का तो संबंध ऐसे डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ क्लियर नहीं है, पति है, देवर है, ज्येष्ठ है। लेकिन अगर मान लो पति या ज्येष्ठ है, बात समझना, अगर यहाँ पर पति या ज्येष्ठ अगर भाई मैं हूँ, अगर मान लो मेरी वाइफ नहीं भी है, मेरी वाइफ नहीं भी है फिर भी मैं ससुर बना हूँ, तब भी ये आदमी इसका क्या लगेगा, दामाद ही लगेगा। कैसे, क्योंकि तो भाई जो ज्येष्ठ की लड़की होती है वो मेरी लड़की होती है, जो देवर का लड़का होता है ये लड़की होती है मेरी लड़की होती है, तो उसकी जो सास होगी मेरी सास होगी। कुल मिला के इसका महिला और आदमी का संबंध क्या होगा, दामाद का, क्या होगा, दामाद का संबंध होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जैसा कि देख रहे हो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यूपी ट्रिपलसी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है और ये भी पूछे गए क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और चलिए अभी तक हमने कम से कम 4 क्वेश्चन कर चुका हूँ, 4 क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि हमको इसमें करना क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकती है, कर सकते हैं, और हम यहां पर करा रहे हैं और आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को जो कह रहा है वो बात को नोट करते चलेंगे। इतनी बात कहेगा, पहली बात उसने जितनी कही है इतनी बात कही कि गोलू भोला का पुत्र है। गोलू किसका पुत्र है, भोला का, तो ये हो गया गोलू। गोलू किसका पुत्र है, भोला का पुत्र है, तो मान लीजिए ये गोलू है और ये भोला है। हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन पे बताया है कि जो डिफाइन हो उसी की तरफ एरो होगा। गोलू किसका पुत्र है, तो तुमको के भोला का, तो गोलू की तरफ एरो जाएगा, क्योंकि गोलू क्या है, गोलू के इशारा हो रहा है और भोला क्या क्या है, ये पुत्र है। तो ये दो चीजें अगर ध्यान से करोगे, एक तो एरो और एक उसके ऊपर जो बात कह रही वो लिखना जरूरी है, उससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शीतल गोलू की पुत्री है, गोलू और इसकी पुत्री कौन है, शीतल। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, मुख्य रूप से तो बात शीतल की हो रही है ना, तो शीतल की तरफ, और शीतल है कौन गोलू की, वो है पुत्री, वो है पुत्री। ठीक है, चित्रा दिलीप की पुत्री है। अब कोई चित्रा है, अब कोई लड़की में, अब ये मैंने कहूँ की लड़की है कि लड़का, लेकिन ये बात पहले देख लेते, चित्रा दिलीप की पुत्री है तो ये लड़की ही होगी। ठीक है, पुत्री बता दिया ना, तो चित्रा किसकी पुत्री है, दिलीप की, किसकी, दिलीप की। अगर ये दिलीप की पुत्री है, ठीक है, बिल्कुल सही, हम नोट कर लिए दिलीप की पुत्री है, और दिलीप भोला का भाई है, ये दिलीप है और ये दिलीप किसका भाई है, भोला का, फिर वो किसकी तरफ आएगा, दिलीप की तरफ, ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर है, क्या है, ब्रदर है। पूछा क्या है, तो बताइए चित्रा शीतल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब को ये बताना है कि चित्रा जो है वो शीतल की कौन होगी, यानी एरो किसकी तरफ रहेगा, चित्रा की तरफ। हमको ये बताना है कि चित्रा जो है वो शीतल की क्या लगेगी, शीतल चित्रा को शीतल क्या कह के बुलाएगी। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शीतल का गोलू से क्या संबंध है, तो पुत्री का संबंध है। अच्छा ये बताओ गोलू किसका पुत्र है, भोला का, तो क्या भोला जो है वो शीतल का क्या होगा, दादा होगा। कैसे भाई, मेरे पिताजी के पिता, ये पुत्र है भोला का, मैं पुत्री हूँ इसकी गोलू की, तो भाई मेरे पिता का पिता मेरा दादा होगा, तो भोला किसका दादा है, शीतल का दादा है। अगर भोला शीतल का दादा है और मेरे दादा के जो भाई होंगे कौन है, भोला का भाई दिलीप, जो मेरे दादा के भाई होंगे वो भी मेरे क्या लगेंगे, वो भी मेरे क्या लगेंगे, यानी दिलीप भी मेरा क्या है, दादा है। वो बात अलग है कि घर में 3-4 भाई होते तो बड़े दादा छोटे दादा, ठीक है, वो
हुआ अलग है, ठीक है। तो शीतल का भोला क्या है, दादा है, और भोला दिलीप की भाई है, तो शीतल का, तो दिलीप भी शीतल का दादा होगा, ठीक है। यानी मेरे दो दादा है, एक भोला दादा और एक दिलीप दादा। अब दिलीप दादा के जो है वो चित्रा क्या है, पुत्री, यानी एक प्रकार से कह लो कि मेरे दादा की पुत्री को मैं क्या कहूं, मैं अपनी दादा के पुत्री को क्या कहूं, अरे बुआ जी कहूं ना। अपने दादा की पुत्री जो होगी वो आपके पिताजी की बहन होगी, जब बहन होगी तो हमारी बुआ जी होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसी दिक्कत ही नहीं, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। देखिए ये बात अगर आप ध्यान करते हुए चलेंगे, मैं सच कह रहा हूं ना, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तुरंत रिलेशन देख लेंगे, बस अपने आप को ओरिजिन मानते देख लो, हर क्वेश्चन में जो मेन होता है फिर उसको ओरिजिन मानता हूं, उसका रिलेशन खच खच कर निकाल करके कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ बस कुछ नाम ना दे करके ए बी सी डी का इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मन के वो इस्तेमाल करिए, हम तो वैसे भी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बस बहस नहस कर देंगे, आग लगा देंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए बी की माँ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, एक इसकी माँ है, बी की, तो ए की तरफ ए हो जाएगा और ये क्या है, माँ है, बी माँ है, तो ए की तरफ ए हो, इसका मतलब है ए जो है, नहीं नहीं रुक जाइए, ए बी की माँ है, हाँ ठीक है, ए माँ है इसकी, बी की, एरो जिधर होगा वही माँ है, हमने बताया ना, सी ए का बेटा है, अब सी बेटा है ना, तो सी की तरफ एरो होगा और बेटा किसका है, ए का, सी ए का बेटा है। डी ई का, डी ई का भाई, अब यहाँ पास तो ये बी है जो किसका भाई है, ई का, डी भाई है किसका, ई का, लेकिन हमको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जेंडर नहीं डिफाइन करें, जेंडर देख लेते हैं कि कौन कौन सा जेंडर होगा, मतलब मेल होगा कि फीमेल, तो ए बी की माँ है तो 100% ये निगेटिव होगा, क्योंकि 100% क्या होगी, फीमेल होगी। सी ए का बेटा है, अगर ये बेटा है, बेटी तो बोला नहीं, बेटा हमेशा पुल्लिंग होता है, ये प्लस होगा, पक्का मेल होगा, देख निकाल लेते हैं कभी कभी क्या होता है, नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, अब भाई है तो भाई मेल ही होगा, बी का भाई। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री, अगर ये पुत्री है तो भाई ये निगेटिव ही होगा, लेकिन बी के बारे में अभी कोई बात डिफाइन नहीं हो पाई है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं, खाली हमको ये देखना है कि ई की ग्रैंड मदर, देखो ये समझ में तो आ गया होगा, बहुत अच्छे से ये संभाव बनाना भी बता भी दिया, जिसके बारे में कहेगा उसके उसकी तरफ एरो लगा देंगे, और जो मेल होगा उसे पॉजिटिव से, जो फीमेल होगा उसे निगेटिव से। तो बताइए ई की ग्रैंड मदर यानी नानी या दादी कौन है, ई की ग्रैंड मदर या नानी, हमको ढूंढना है ई की नानी कौन है, एक प्रकार से ऐसे समझ लो ई की नानी ढूंढना है। ई की नानी ढूंढने के लिए हम डिफाइन करते हैं शास्त्रोदर, ई की नानी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों नहीं, ई किसकी पुत्री है, बी की, तो एक प्रकार से ये ई की क्या हुई, मामू भाई की पुत्री है, अब इसकी तरफ एरो मैंने स्टे कर दिया, अब क्या करें, मैंने कहा था उसने कहा नहीं, मैंने अपना बनाया कि बी ई की क्या होगी, माँ होगी, तो इसी तरफ एरो हो गया। अगर ये माँ होगी, अब सोचो मैं अगर ई हूं और बी मेरी माँ है, अगर मैं ई हूं और बी मेरी माँ है, और मेरी माँ की जो माँ होगी क्या वो मेरी नानी नहीं होगी, सोचो यार, ये मेरी, ये मैं ई हूं और मैं बी की पुत्री हूं, तो मेरी ये माँ भी हो सकता है, हो सकता है पिता भी हो, क्योंकि बी का जेंडर नहीं डिफाइंड है, तभी जिसने आपसे कहा नानी या दादी, तो मैंने अगर इसको मेल माना तो ये मेरे पिता, और मेरे पिता का, मेरे पिता की माँ, ये तो माँ है ना, यहाँ तो मेरे साथ है, और मेरे पिता की माँ या मेरी माँ की माँ, क्योंकि बी का जेंडर नहीं डिफाइंड, बी माँ भी हो सकती है और बी पिता हो सकता, अगर बी पिता हुआ तो उनकी माँ दादी होंगी मेरी, और अगर बी माँ हुई तो मेरी माँ की माँ दादी होगी, तो कुल मिला के मेरी नानी या दादी कौन हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ नहीं था, और
ये भी एग्जाम किसमें पूछा गया, मैं आपको बता दूं, ये पूछा गया है SSC GD 2015 के एग्जाम में पूछा गया, SSC GD के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बता देते हैं इसमें पूछा गया, ये पूछा गया है UP SSC वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। देखो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। और आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, हमने क्वेश्चन करा दिया, अब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ भी क्या कह रहा है, इतना कह रहा है नोट कर लेते हैं, MN का भाई जी हो गया, अपना भाई हो जाए, भाई बदल हो जाए, बताओ MN का भाई, M किसका भाई है, N का, M की तरफ एरो जाएगा क्योंकि M भाई है, और यहाँ पर लिख भी देते हैं भाई है N का। BN का भाई है, अब B को आ गया तो N का भाई है, जो B जो है B भाई है किसका, N का, मतलब BN के दो भाई है। अब भाई है तो 100% ये मेल होगा, ये भी भाई है तो 100% ये भी मेल होगा, लेकिन N के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला कि N क्या होगी, बहन भी हो सकती, भाई भी हो सकता, अगर भाई होगा तो तीनों भाई होंगे, बहन होंगे तो बहन होंगे और भाई होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब फिर क्या कह रहा है, एम डी का भाई है, अब एम जो है एम किसका भाई है, डी का। ठीक है, अब डी का भी नहीं क्लियर हो रहा क्या हो सकता है भाई, डी का भी क्लियर कहाँ हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया ना कि M जो है D का भाई है, M की तरफ एरो हो गया, लेकिन N D का भाई नहीं है, लेकिन एक चीज ने कह दिया कि जो N है वो D का भाई नहीं है, N D का भाई नहीं है। अगर N D का भाई नहीं है, सोचो अगर N D का पक्का ये भाई नहीं है तो N D से किस प्रकार संबंधित है। अब भाई, ये भाई तो कतई हो ही नहीं सकता, अब जब ये भाई नहीं तो 100% ये महिला रही होगी, ये N D का भाई नहीं है तो 100% महिला रही होगी, और अगर महिला रही होगी तो चाहे ये महिला हो, महिला से संबंध बहन ही का है, अगर ये भाई नहीं है और ये इसका भाई है, सोचो आपकी बहन का भाई आपका भाई क्या होगा, बहन कहेगा ना आपकी बहन, आपकी बहन का भाई है ना, जैसे आपका भाई हो और आपकी एक बहन हो तो उसके लिए आप भी भाई हो और तुम्हारा भाई भी क्या है, भाई है। तो यहाँ पर N, N का संबंध D से क्या होगा, मतलब जो N है वो D का क्या लगेगा, जो भाई नहीं है तो 100% क्या होगा, बहन होगा, इसने कह दिया कि भाई नहीं है तो 100% बहन होगा। यहाँ तक कर लीजिए, एक आधे क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, ये तीनों क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब आप एक बार एग्जाम में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन UP SSC जूनियर असिस्टेंट 2015 में पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, फिर अगला पूछा गया UP SSC वीडियो के प्रश्न में, और फिर अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन बेहतरीन, सब आज की वीडियो का सबसे बेहतरीन कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो थोड़ा घुमा दिया है, क्वेश्चन को घुमा जरूर दिया है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया UP SSC वीडियो के पेपर में। ये तीन क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से तो आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, जब आप सेट लगाएंगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है, स्टेटमेंट वाला भी और कुछ इसके लिए एबीसीडी वाले भी, और लास्ट वाला क्वेश्चन वो है जिसमें लड़के 100% फंस ही जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्लस करके भी आप समझेंगे, अभी आप समझ जाएंगे तो ही कि इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, जो सर कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है, अभी देखो इसमें क्या खास बात है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इतना दिया गया है, पहले बता चुका हूँ जितना बोलता जाए उतना नोट करते जाओ, दिया गया है कि ए बी का भाई है, कौन भाई है बी का, ए किसका भाई है, बी का, ए बी का भाई है, ठीक है ए बी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं। सी ए का पिता है, सी जो है वो किसका पिता है, ए का, इनके बीच पिता का संबंध है, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, सी ए का पिता है, सी पिता है ए का, ठीक है, D
डीई का भाई है, डीई का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है, ई का, डी भाई है किसका, ई का, डीई का भाई है। और ई बी की पुत्री है, ई जो है, जो ई है ये किसकी पुत्री है, बी की, ई बी की पुत्री है। तब बताइए डी का चाचा कौन है, मतलब इसका चाचा ढूंढना है, चाचा ढूंढ के लाना है कौन होगा। बस कुछ नहीं, इतना बन गया है। अब हम डिफाइन कर लें कितने मेल है और कौन फीमेल है। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है तो 100% ये मेल होगा। सी ए का पिता है, सी पिता है ए का, तो ये भी क्या होगा, मेल होगा। डी ई का भाई है, डी भाई है ई का, तो ये भी क्या होगा, मेल होगा। और ई बी की पुत्री है, जो ई है वो बी की पुत्री है, 100% कंफर्म है, तो ये फीमेल होगी। बी के बारे में अभी भी हमको कोई कंफर्म नहीं है, कोई जरूरत नहीं, काम लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ऐसे ही काम चल जाएगा। डी का चाचा पता लगाना है, देखिए डी का चाचा पता लगाना है, क्या करते हैं, यहाँ डी को पकड़ते हैं। अगर डी ई का भाई है तो आपस में दोनों भाई बहन हो, नहीं सॉरी भाई बहन होंगे, तो ये भाई अगर इसकी डी, अगर ई का भाई है, डी है मेल, ई है फीमेल, तो ये आपस में भाई बहन होगी। मतलब डी अगर ई का भाई है तो ई डी की क्या होगी, बहन होगी। डी ई जो है, तो डी ई का भाई है तो ई डी की क्या होगी, बहन होगी, अगर ये बहन है। अच्छा ई जो है बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो क्या भाई ये बी की, ये बी का पुत्र नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अभी बताओ तो एक ही बाप के दो बच्चे हो, एक ही पिता के दो बच्चे, मान लो मैं डी हूं और मेरी बहन ई है, वो मुझे भाई बोली, वो मेरी बहन हुई। अब वो मेरे पिता की पुत्री है, वो इसकी पुत्री बी की, और मेरी बहन भी है और बी की पुत्री है, तो जिसकी वो पुत्री होगी वो मैं उसका क्या होगा, पुत्र होगा। ये बी की पुत्री है तो डी बी का क्या होगा, पुत्र होगा। अब मेरे पिता का जो, मेरे पिता का जो भाई होगा वही तो मेरे चाचा होगा, और मेरे पिता है ये, मेरे बहन के एक पिता है तो मेरे पिता भी यही है, और इनका भाई है ए, तो ए हमारा क्या होगा, चाचा होगा। क्वेश्चन दमी ने का पूछा कहाँ गया है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। ठीक है, आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे ना, बेहतर से चीजों को समझेंगे, तो एग्जाम चाहे यूपीएससी का हो एक बार में क्रैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी के ससुर है, ठीक है बढ़िया बात है, ससुर बन गए, ए जो है बी के क्या है, ससुर बने पड़े हैं, बन जाओ। जो सी की माँ है, जो का अर्थ समझ लो क्या कह रहा है, जो का अर्थ यहाँ समझने वाली बात है। अच्छा ए बी का ससुर बोला था, ए क्या है, बी के ससुर है, तो बी के अगर ससुर है कौन, ए, तो भाई ये ए ससुर है तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे भाई, ए जो है ठीक है बी के ससुर हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेल रहा होगा, ए मेल रहा होगा। जो सी की माँ है, सी की माँ कौन होगी, फिर बी रही होगी, तो भाई ये तो माँ बन नहीं सकते, तो ससुर है ना, तो माँ तो यही होंगे, जो का अर्थ होता है बाद वाला, जो होता है बगल में जो रहेगा, ठीक है वही क्या होता है, जो के डिफाइन करना, जो को डिफाइन कौन कर रहा है, ये बी को डिफाइन कर रहा है, जो, जो सी की माँ है, यानी बी जो है वो किसकी माँ है, सी की माँ है, अगर ये सी की माँ है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब फीमेल, सी की माँ हो गई। डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, डी कहाँ है, यहाँ ले लेते हैं, और ये किसकी माँ है, ई की माँ है, डी ई की क्या है, माँ है, डी की माँ हो गई। जो एफ और सी का पिता है, अच्छा एफ और सी का पिता कौन है, भाई यही जो का मतलब यही होगा ना, ई, भाई डी की बात तो कर ही चुका, माँ है, अब ई बची तो ई क्या होगा, एफ और सी का पिता होगा, मतलब ये इसका भी पिता है और यहाँ पास एक एफ भी होगा और इसका भी पिता है, मतलब एफ का भी पिता है और इसका पिता है, सी का भी पिता है, तो पिता है तो पॉजिटिव होगा, मेल होगा, लेकिन एफ और सी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये फीमेल है कि मेल है, देखते हैं आगे क्या करें।
ए ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए जो है वो ई का क्या लगेगा, ए ई का क्या लगेगा, चलिए ढूंढते हैं क्या लगेगा, पता चल जाएगा। ए ई का पता लगाना है क्या अपना, तो पता लगाओ। अच्छा ई जो है वो पिता है किसका, सी का पिता है, और सी किसकी माँ है, बी की माँ है, या ऐसे देख लो ए ससुर है किसका, बी का ससुर है, भाई समझो यहाँ ए ससुर है किसका, बी का ससुर है, और बी माँ है किसकी, सी की माँ है। अगर ये इसकी माँ है और ए इसका ससुर है, समझना जरा, तो ए और सी का संबंध क्या होगा बताओ, भाई ये ससुर था, ये किसका ससुर है, बी का ससुर है, और अगर ए बी का ससुर है और बी माँ है सी की माँ है, तो पक्का है ये इसका क्या होगा, ये दादा हो सकता है, तो भाई ए ससुर है बी का, और भाई ऐसा समझो मैं सी हूँ, मेरी माँ बी है और उनके ससुर ए है, तो मेरे वो तो दादे हुए ना, यानी सी दादा है, सी किसके, मेरे सी दादा, मतलब सी मैं हूँ और मेरे दादा कौन है, ए, मेरे दादा कौन है, ए, तो भाई मेरी माँ के ए ससुर है, मैं सी हूँ, मेरी माँ के ससुर ए है, तो ये मेरे दादा है, और मेरे पिता ई है, यानी मेरे दादा और मेरे पिता में क्या संबंध होगा, तो भाई ये मेरे पिता के क्या होंगे, पिताजी तो होंगे, भाई ये जो पूछा है कि ए जो है ई का क्या है, तो ए ई का क्या है, पिता होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से देख लीजिए, ए ससुर है बी का और बी मेरी माँ है, तो मेरी माँ का ससुर मेरे दादा होंगे, और मेरे दादा और मेरे पिता में संबंध क्या होगा, मेरे पिताजी के ही पिता होंगे, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, नोट करिए यहाँ, a प्लस बी कह रहा है, क्या कह रहा है, a b का पति है, a b का क्या है, पति, इतना कह रहा है पहले उतना नोट कर लें, a b का पति, a हैच b का अर्थ, ये रहा a, ये रहा हैच, a हैच b का अर्थ है, क्या अर्थ है a हैच b का, a b का भाई है, a b का भाई है, a at the rate b का क्या अर्थ है, तो a at the rate b का अर्थ है b a का बेटा, यानी b जो है वो किसका बेटा है, ए का बेटा, ठीक है, ए डॉलर बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है, क्या अर्थ है डॉलर बी का, बी ए की बेटी है, बी ए की क्या है, बेटी है, बस इतनी बात हो गई। पूछा क्या है कि तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कथन क्या है, कथन में ये है कि यहाँ पास हैच है, फिर प्लस है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पास एट द रेट है और यहाँ पास डॉलर है, मतलब इस स्टेटमेंट को हम बता रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब इसकी मदद से हमको ये निकालना है, आर हैच पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी। देखिए अभी आप ये समझ पा रहे हो लोग क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो मैं भी क्वेश्चन कराता हूं फिर समझ में आ जाए क्या कहना चाहता है। देखिए यहां से अगर यहां पर ए बी सी दिया था, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए इसने पी आर टी क्यू एस टी ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्थ क्या प्लस हैच एट द रेट और डॉलर से मतलब हमको ए और बी से मतलब नहीं है, और ये जो सिंबल यूज किए गए हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज किए गए हैं, कोई इनसे मतलब है, ए प्लस बी, अब देखो आर हैच पी है, ए हैच बी का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आर किस, आर क्या होगा, आर पी का भाई होगा,
यही तो होगा। आर भाई भाई यहाँ बनाना स्टार्ट करो। उसने कहा ए है बी का, ए बी का भाई है, और यहाँ लिखा आर है पी, तो ए क्या हो जाएगा, आर पी का भाई है। फिर पी प्लस क्यू, अब पी प्लस क्यू यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा कि पी क्यू का पति है, यानी पी पति है किसका, क्यू का। बहुत आसान होता है, बस यही बनाते चलो, यहाँ तक हो गया। अब आगे आओ, ए एट दी रेट बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, तो क्यू एट दी रेट एस का मतलब क्या हो जाएगा कि बी ए का बेटा था, तो यहाँ एस बेटा हो जाएगा किसका, एस बेटा हो जाएगा क्यू का। ये भाई था आर तो पॉजिटिव, ये पति था पी तो ये भी पॉजिटिव, और ये बेटा है तो ये भी पॉजिटिव, क्यू के बारे में भी कोई पता नहीं। और ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, तो एस डॉलर टी का मतलब क्या हो जाएगा कि टी जो है वो एस की बेटी है, अगर ये बेटी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, इसके मतलब वही बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन में बनता था वैसा बन के आ गया कि नहीं बन के आ गया। भाई इसमें कंफ्यूज करने के लिए इतना दे दिया, लेकिन हमसे पूछा ये है, हमने इसकी मदद से आर एच का अर्थ देख लिया, जो ए एच बी का अर्थ है वही आर एच, भाई खाली स्पेशल कैरेक्टर का अर्थ होता ना, आर टी एच टी का कोई अर्थ नहीं होता है। एच यहाँ पर ए ए एच बी का अर्थ ए का बी का भाई था, हमने वैसे ही मदद से बनाते चले गए, ठीक है। अब हम देखना है हमको इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। ये पहला कथन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर एस के दादा हैं, चेक कर लेते हैं क्या बात सही है, आर एस के दादा निकलेंगे। अच्छा चेक करते हैं कि आर एस का दादा है कि नहीं है, तो ये आर है इसके ऊपर प्लस है, ये पी का भाई है हाँ ठीक है, और ये पति है क्यों का, ठीक है, तो इनके इनके बीच पहले संबंध देखिए क्या होगा, तो ये हो सकता है बड़े अगर होंगे आर, अगर आर बड़े होंगे अच्छा पति है तो ये पत्नी ही होगी, अब आर अगर बड़े है ना तो ये ज्येष्ठ भी हो सकते हैं इसके, क्योंकि क्या हो सकते हैं ज्येष्ठ भी हो सकते हैं, और ज्येष्ठ होने के साथ छोटे हैं तो देवर भी हो सकते हैं क्योंकि, लेकिन अब इसको एस से देखो तो एस क्या है, क्यू का बेटा है, एस क्यू का बेटा है, अगर ये ज्येष्ठ है तो ये इनका भतीजा होगा, ज्येष्ठ या देवर होगा तो एक प्रकार से भतीजे की भाई देवर लगेंगे तो क्या होगा इनका भतीजा होगा, तो दादा नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पी टी का चाचा है, पी जो है टी का चाचा है, अब पी भाई पति है क्यों का, ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो और ये इनका, अगर ये एस जो है क्यों का बेटा है तो भाई एस इनका भी बेटा होगा, किसका, पी का भी बेटा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, यदि पति पत्नी है तो पी का भी बेटा होगा, और एस की बेटी क्या है, पी है, एस की बेटी टी है, अब भाई बेटे के बेटी तो हमारी क्या होगी, पोती होगी ना, उसने कहा क्या है चाचा ना, चाचा नहीं दादा है होता तो लगा सकते थे, अगर सेकंड ऑप्शन ये होता कि पी टी का दादा है तो बात बन सकती थी, ये भी ऑप्शन गलत है, एस पी का पोता है, एस जो है वो पी का पोता है, चेक कर लेते हैं, एस पी का पोता बता रहा है, नहीं एस पी का तो बेटे ही निकला है ना, एस पी का क्या निकला बेटा, तो ये भी ऑप्शन नहीं गलत, सा गलत है, पी क्यों की पोती है, देखो पी का ये पत्नी क्यों है, एस बेटा है, और मेरे बेटे की बेटी क्या होगी मेरी, अरे पोती होगी ना, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था, घबराना नहीं, बस ऐसे ही आप बनाते रहना, हर क्वेश्चन में एरो पॉजिटिव नेगेटिव बनाना और उनके बीच रिलेशन को डिफाइन करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है ठेक जहाँ तक फाला जाए, खोपड़ी जब तक आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद ना कर देना, जवाब ना लेना तब तक रुकना नहीं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।